वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बना रहे हैं अपने किचन में चिकन टिक्का मसाला की रेसिपी, जो बहुत इसी तरीके से मैं आपको आज बनाना सिखाऊंगी। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाली है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आज हम बनाएंगे। तो देखिए, इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 1/2 kg चिकन लिया है, जिसको मैंने साफ़ करके बहुत अच्छे से वॉश करके मैंने इसे रख लिया है। इसमें जाएंगे ये मसाले, देखिए इसमें जाएगा ये 1/2 teaspoon हमने लिए है लाल मिर्च पाउडर, 1/4 teaspoon लिए हम हल्दी पाउडर, 1/2 teaspoon लिया है हमने नमक, या आप हसबे ज़ायका ले सकते हैं, 1/2 teaspoon हमने लिया है धनिया पाउडर, 1/2 teaspoon लिया है हमने जीरक, ये लिया है हमने 1 teaspoon लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये हमने 1/2 cup जो है हमने दही ली है। इसमें जाएगा ये 1 पूरा नींबू। आइए स्टार्ट करते हैं इसे मैरिनेट करने के लिए। इसमें जाएगा ये 1 नींबू का रस, जिसे हमें पूरा इसे निचोड़ कर इसमें डाल देना है। बाद हम इसमें डालेंगे ये लहसुन अदरक का पेस्ट, इसमें डालेंगे हम दही, और ये सारे हमारे जो खुश मसाले हमने निकाले थे, और इसे हमें बहुत अच्छे से पूरे चिकन पर मसाले को फैला देना है, लगा देना है, ताकि ये बहुत अच्छे से मैरिनेट हो जाए। तो देखिए, इसे हमें इसी तरह से पूरे मसाले पर हर एक बोटी पर हमें लगा देना है। इसे आप ओवरनाइट रखें तो भी बहुत और भी ज़्यादा इसका जायका दुगना हो जाएगा, लेकिन हमें हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो हम इसे 1/2 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। ये हमने इसे रख दिया है। इसमें हमने एक पैन लिया है, जिसमें हम डाल देंगे 1 से 1.5 टेबल स्पून ऑयल। इसमें हमें टिक्का तैयार करना है अपना, और ये देखिए ये हमारा तेल गरम हो गया अच्छे से। हम इसमें एक एक करके सारे जो पीसेज हैं हमारे चिकन के, हम इसमें डाल देंगे, और इन्हें हमें बहुत अच्छे से फ्राई करना है। इस पर हमें बहुत डार्क कलर के स्पॉट चाहिए टिक्के पर। तो देखिए, ये हमने सारे इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हम इसे 4 से 5 मिनट तक बिल्कुल भी इसे टच नहीं करेंगे। और फिर देखिए, अभी 5 मिनट का टाइम हो गया है, हम इसे एक साइड से पलटेंगे और इसे पलट देंगे एक एक पीस को। देखिए, हमारा एक साइड से सही से कलर आ गया है, लेकिन हमें और भी ज़्यादा डार्क कलर चाहिए। अब हम इसे सबको पलट देंगे, और 5 मिनट के बाद फिर हम दूसरे साइड से देखेंगे कि कितना तैयार हो गया है। 5 से 6 मिनट लेंगे इसे। देखिए, इसे हमने पलट कर देखा एक साइड से, तो यह हम जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, किस कदर अच्छा हमारा कलर आया है चिकन पे, देखें कितने डार्क स्पॉट आए हैं। इसे हमें तैयार करते हुए तकरीबन 15 से 16 मिनट हुए हैं, और बिल्कुल ग्रेवी भी देखिए बिल्कुल खुश्क हो गई है। इसी तरह का चिकन टिक्का हमें तैयार करना था, और ये बिल्कुल रेडी है अब इस वक्त। इसे हम सारा जो है एक डोंगे में जो है पूरा ट्रांसफ़र कर देंगे। और देखिए माशाल्लाह, अब हमने ग्रेवी बनाने के लिए एक कढ़ाई ली है, जिसमें हमने 1 कप ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल गरम हो गया है, तो इसमें हमने ये 1 मीडियम साइज़ की प्याज को चॉपर में चॉप कर लिया था, ये हम इसमें डाल देंगे तेल में, और इसे हमें बहुत अच्छे से फ्राई करना है। इसका कलर चेंज होने तक हमें इसे फ्राई करना है। देखिए, ये हमारी प्याज जो है तकरीबन मुकम्मल फ्राई हो गई है। इसमें हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, इसे भी हमें 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनना है, ताकि इसका कच्चापन जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब इसमें ऐड कर देंगे हम सारे खुश्क मसाले। इसमें जाएगा ये 2 टेबल स्पून हमने धनिया पाउडर लिया है, ये आप अपने ग्रेवी के भी हिसाब से ले सकते हैं, कम ज़्यादा आप इसे कर सकते हैं। यहाँ पर हमने लिया है 1/2 teaspoon लाल मिर्चों का पाउडर, और ये हमने नमक लिया है, जो हसब ज़ायका आप ले सकते हैं। ये हम सारे इसमें मसाले इसमें डाल देंगे, और इसे हमें खूब अच्छे से इसकी हमें भुनाई करनी है। थोड़ा पानी डालकर भी आप इसको भून सकते हैं, ताकि आपके मसाले जले नहीं। तो देखिए, ये हमारे मसाले जो हैं तैयार हो गए। इसमें हम डाल देंगे 2 टमाटर हमने लिए थे मीडियम साइज़ के, जिसकी हमने ये ग्रेवी बना ली थी, पेस्ट बना लिया था, हमने इसमें डाल दिया है। इसे भी हमें खूब अच्छे से इसकी भुनाई करनी है, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। इन टमाटर को भी हमें बहुत अच्छे से भूनना है। देखिए माशाल्लाह, ये हमने 1 टीस्पून हमने मेथी लिए, और इसे हमें हाथ पे रख कर हथेली पर इसे हम इस तरह से डाल देंगे। माशाल्लाह, कितना अच्छा कलर आ रहा है, देखें आप। ये आपको यकीनन आप इसे ट्राई करेंगे इस रेसिपी के, तो आपको बहुत पसंद आने वाली है। आप खुद कहेंगे कि हाँ वाकई हमने आपको कोई रेसिपी दी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इसमें हम डाल देंगे ये हमने दूध की मलाई ली है। आप इसमें क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं थी, तो मैंने इसमें 1 चम्मच जो है मलाई डाली है।
मलाई डालने के बाद ये बहुत ज़्यादा क्रीमी हो जाएगा। इसका टेक्सचर जो है, देखें ग्रेवी का, मलाई से इसका जायका जो है और इसकी जो ग्रेवी है बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये तकरीबन हमारा जो ये मसाला है टिक्का मसाले का बिल्कुल रेडी है, और इसमें हम 2-3 मिनट इसकी हम भुनाई और करेंगे बस। मसाले हमारे बहुत अच्छे से बिल्कुल भुनकर तैयार हो गए हैं, बिल्कुल उम्दा तरीके से भुनाई हो गई है इसकी। तो अब हम इसमें सारा जो हमारा टिक्का बना हुआ है हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे, देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसे हमें खूब अच्छे से मिक्स कर देना है इस मसाले में टिक्के को, ताकि इसके ऊपर सारा मसाला जो है अच्छे से लग जाए जो हमने तैयार किया है, और एक एक बोटी पर इसका मसाले का असर चला जाए। देखिए ये हमने इसमें खूब अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको इसमें कितनी ग्रेवी चाहिए। तो इसमें आप अपने जो इसमें पानी जाएगा, चिकन तो तकरीबन ये गला हुआ है टिक्का जब हमने बनाया, तो चिकन जो है हमारा बहुत अच्छे से टेंडर हो गया है, लेकिन हमें इसमें थोड़ा सा पानी अभी और डालना है ताकि खूब अच्छे से मिक्स हो जाए एक दूसरे पर, मसाला लग जाए। तो मैंने इसमें तकरीबन 1/2 कप पानी डाला है, और इसे मैं बस पानी डालने के बाद 5 से 7 मिनट के लिए हल्की आँच पर दम पर रखूँगी, और इंशाल्लाह ये हमारा टिक्का जो है बिल्कुल रेडी निकलेगा। तो देखिए मैंने इसमें पानी डाला है, अब मैं इसे ढककर रख दूँगी 5 से 6 मिनट के लिए, बस इसे मैं दम पे रखूँगी हल्की आंच पर, और इंशाल्लाह ये हमारा टिक्का जो है बिल्कुल रेडी निकलेगा। देखिए 5 से 7 मिनट के बाद मैंने इसे खोल के देखा, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा जो चिकन टिक्का मसाला है बिल्कुल रेडी है। मैं मुझे इसी तरह की ग्रेवी चाहिए थी थोड़ी सी, आप इसे नान के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। तो आइए इसे अब हम डिश आउट कर लेते हैं। देखिए हमारा माशाल्लाह टिक्का मसाला बिल्कुल रेडी है। प्लीज़ गाइस, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगली रेसिपी के साथ इंशाल्लाह फिर आपके सामने हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।